रब्बुल मशारिक भी मैमा, रब्बुल मगारिब भी मैमा, आसमानों बनाने वाला, जमीन तुहाड़े वास्ते बिछौना बनाने वाला मैमा, मैं ही जड़ा आसमानों तो पानी तुहाड़े वास्ते नाजल करना, इस जमीन बिचो मैं ही जड़ा तुहाड़े वास्ते रिज़क उगाना। अल्लाह करीम बार बार अपनी पहचान कराते जा रहे, मैं जड़ी आयात बय्यिनात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ने पहचान अपनी इन आयात बय्यिनात के अंदर कराई, मगर लोगों अंदाज बड़ा निराला जिहा रखिया। तुसीं आखोगे हाफ़िज़ जी अंदाज किवें निराला, आओ नजरा कुरान पढ़ के वेखिए अल्लाह किवें किवें अपनी पहचान करा रहा, और इन आयात बय्यिनात के अंदर अल्लाह ने अपनी किवें दी पहचान कराई। तो पढ़िए कुरान भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, थोड़ा जा जागो। मैनू नहीं पता माफल कदों की शुरू हुई है, कदों के तुसी बैठे हो, मेरी वारी हुण आप हजरात के सामने। तो मैं कुरान पढ़ना चाह रहा, अगर आप हजरात की तवज्जो दरकार हो तो मेरे साईं हजूर किबला फरमाते होंगे सन, फट पवे वह सोना जो कन्ना खावे। अब माइया कहंदियां ने ना, जो सोना कन्ना खा जाए तो की फायदा उस सोने का। साईं फरमाते होंगे सन, फट पवे वह सोना जो कन्ना खावे तो की करनी, उस जुबान जी खावे तो मुस्तफा दा तो गावे ना मुस्तफा दा। अच्छा भाई, जिन्हों लगता मैं कमाइया से फलना वह ना बोले, तो जिन्हों लगता मैं मुहम्मद के टुकड़िया से फलना वह सुन्नी माँ का पुत्र हाथ उठा के बोले सुबहान अल्लाह। अच्छा भी जिदी माँ ने बचपन च कुरान दियां लोरियां दे दे के पाले, और जिहड़ा चाहता मेरा पुत्र होवे ते वह भी हाफ़िज़ कुरान होवे, वह बंदा हाथ उठा के बोले सुबहान अल्लाह। अजे भी जिन्हें हाथ नहीं चुकिया, नाल दा बंदा आसरा करावे ते हाथ उठा के बोले सुबहान अल्लाह। अच्छा भी तुसी सोचते होवोगे कि जदों की महफल शुरू हुई, जिहड़ा भी आउंदा आके कहंदा हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, वजह की है? अल्लाह सूरे यासीन च फरमांदा है कि कयामत दे दिन जदों जुबानां बंद होणगियां, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, जुबानां ते मोहर लग जाएगी, तेरा हाथ बोल के गवाही देवेगा, ते हाथ आके या अल्लाह इहदे नाल गुनाह भी करदा रहा पर माफ़ी दे दे, महफले च बैठियां जदों तेरे यार दा नाम आउंदा सी मैनूं उच्चा कर करके सुबहान अल्लाह कहंदा रहा है। लोगों याद रखिया, जैसे माफर दे बार ना ये फरिश्ते सारी माफल की कार्रवाई पे करते हैं, तो जो तेरी मेरी हाजरी अल्लाह की बारगाह च फरिश्ते पेश करा ना, तो आखनी या अल्लाह आ बंदा जदों तेरे यार दा ना आंदा सी ना, माही दा ना आंदा सी, या अल्लाह ये बड़ा उस सुबहान अल्लाह कहंदा रहा, या अल्लाह इन्हों माफ़ी दे दे। तो जिदा इंज का प्रोग्राम है जागो, और नाल दे बंदे दा भी मेरे वल तवज्जो कराओ, ध्यान कराओ, तो हाथ उठा के बोलो सुबहान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, तबारक अल्लज़ी जअला फिस समा تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا। अल्लाह अपनी पहचान करांदा जा रहा। अल्लाह ने फरमाया मेरी जात बड़ी बरकत वाली जात है, फरमाया जिन्हें आसमान बनाया, फरमाया जिन्हें जमीन बनाया, फरमाया जिन्हें बुर्ज बनाए ने, फरमाया जिन्हें चमकन दे चमकान वाला सूरज बनाया। अल्लाह अपनी पहचान करांदा जा रहा। अल्लाह ने फरमाया तबारक अल्लज़ी नज़ल फुरकान अला अब्दिहि लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लाह ने फरमा मेरी जात बड़ी बरकत वाली जात है, जिन्हें अपने यार उत्ते फर्क करने वाली किताब नाजिल की है, अर्द की अल्लाह वजह की है, फरमाया लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, फरमाता के मेरा यार आलमीन डर सुनान वाला बन जाए। अल्लाह ने अपनी पहचान कराई। अल्लाह ने फरमाया तबारक अल्लज़ी बियदिहि मुल्क वहू अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ने फरमा मेरी जात बड़ी बरकत वाली जात है, जिते कुदरत हत्थां दे अंदर सारी कायनात मुल्क ने, फरमाया मैं हर चीज उते कादिर हां। लोगों अल्लाह अपनी पहचान करांदा जा रहा। अल्लाह जेड़े वेले इस मुकाम दी वारी आई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया, लोगों मेरी पहचान करा दे, मेरी जात बड़ी बरकत वाली जात है, लोगों मेरी पहचान करा दे, मैं चन्न बनाया सूरज बनाया है, लोगों मेरी पहचान करा दे, मेरी कुदरत हत्थां दे अंदर ये सारी कायनात मुल्क ने, मैं ही हर चीज़ उत्ते कादिर हाँ, मैं ही जिहड़ा मशरिक वालिया का रब हाँ,
मैं ये जेड़ा मगरिब वालियां दा रब्बा अल्लाह ने फरमाया कमली वालियां जिदो लोगों नूं पहचान करांदा जावे लोगों नूं मेरी ए वी पहचान करा दे वतवक्कल अल अज़ीज़ रहीम अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम फरमाया लोगों नूं मेरी ए वी पहचान करा दे मैं ओ रब्बा जेड़ा हर वेले अपने यार दे मुख वाली वेखदा रहंदा बुजुर्ग फरमांदे ने वड्डे लोगां दे कद वड्डे नहीं होंदे वड्डे लोगां दे दिल वड्डे होंदे ने ते दिल दरिया वर्गा होवे समुंदर डूंगा होवे विच इश्के मुस्तफा दी लहर होवे यार दा ते ना आ जाए सुभान अल्लाह आप निकल जांदी है मैं तो तुहानूं कुरान पढ़ के सुना रहा तुसीं फिर भी नहीं बोले हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह गिरामी कादर बाप अल्लाह फरमा रहा कमली वाले मैं वेख दे तेरे वर रहना लोगों नूं मेरी ये भी पहचान करा दे ते वेखन दी बात है ना अल्लाह दे नबी हजरत मूसा अली सलाम पैदा होए ना फरमाया मूसा दी वालिदा नूं फरमाया इन्हां नूं दरिया च रोड़ देवो हजरत मूसा अली सलाम दरिया च मां ने रोड़ दिता हुण वेड़ा फिरौन दा हजरत मूसा अली सलाम दा बचपन फिरौन दी बीवी आसिया उन्हें हजरत मूसा अली सलाम नूं बचपन च ना दरिया विचों निकालिया ते अपने घर लै गई हजरत मूसा अली सलाम फिरौन दे वेड़े मां नूं फिकर है कि पुत्र मेरा और वेड़ा दुश्मनां दा अल्लाह ने हजरत मूसा दी वालिदा नूं तसली दिती अल्लाह ने फरमाया ए मूसा दी मां फिकर ना करी पढ़िए कुरान भाई आप हजरात दी तवज्जो नहीं आप हजरात दी तवज्जो तवज्जो मेरे वल रखो फिर बात समझ आवेगी पढ़िए कुरान माशाल्लाह भाई सदके जावां तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह तो मैनूं नहीं पता कि मैं केड़ा कुलिया वरतांगा ते तुसीं फिर बोलोगे सुभान अल्लाह मगर याद रखिएगा कई लोग आउंदे ने घरों सलाह करके आउंदे ने कि अज मौलवी जो कुछ मर्जी करके विखा देवे ना असां सुभान अल्लाह नहीं कहनी तो जे सलाह करके आयो तो फिर ना बोलो तो जो बगैर सलाह तो आयो मेरी वारी रौंद पे मार दियो हाथ उठा के नहीं पे बोल दे सुभान अल्लाह अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्कैतु अलैका महब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अलैनी अल्लाह ने हजरत मूसा दी मां नूं तसल्ली दित्ती फरमाया ए मूसा दी मां फिक्र ना करी फरमाया मूसा साडी अख दे सामने वे फरमाया मूसा मेरी अख दे सामने वे हजरत मूसा दी वारी आई फरमाया मूसा मेरी अख दे सामने वे जेड़े वेले कमली वाले दी वारी आ गई मक्के दे काफिर मेरे नबी नूं पत्थर मारे अल्लाह ने कुरान च अपने यार नूं तसल्ली दित्ती अल्लाह ने फरमाया वसबिर लि हुक्म रब्बिका फइन्नक बिअय्युनिना अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया इन्हां काफिरां दे ज़ुल्मां ते जरा सबर करी जा फरमाया फइन्नक बिअय्युनिना सोणिया तू मेरी अखियां दे विच पिया वसना है फरमाया मेरी अखियां दे विच पिया वसना है लोगों हजरत मूसा दी वारी आई फरमाया अख दे सामने वे फरमाया यान फरमाया अखियां मूसा दी वारी आई फरमाया अख मूसा ने फरमाया अख दे सामने वे यान दी वारी आई फरमाया अख दे सामने नहीं सोणिया तुसी अखियां दे विच पे वसदे महबूब किड्डा को सोहना होवेगा महबूब किड्डा को सोहना होवेगा जिन्हों बनाने वाला पिया कहिंदा है कारीगर को सोहनी चीज बना लेना लोग तारीफा करन ते वह बड़ा खुश होवेगा कारीगर सोहनी चीज बना के ना ते बाहर डिस्प्ले कर दे के जी लोग आन जान वाले वेखन ते मेरियां तारीफा करन के बड़ा चंगा कारीगर है अल्लाह ने महबूब नूं बना के सामने कीता कायनात ने जदों यार नूं वेख्या ना ते आखिया लमअरा कबलहू अला बादहू मिसलहू सोहणिया तेरी कसम है तेरे वर्गा ना कोई पहले वेख्या ना कोई तेरे बाद तेरे वर्गा वेखांगे ते वह रब अरशां ते खुश हो गया अर्थ कीती या अल्लाह तारीफ महबूब दी कीती जा रही तो खुश हो तुसीं पे आउंदे हो आवाज अभी की कायनात वाले हो तारीफ महबूब दिए बनाया ते मैं वे ना ए महबूब नो बनाया ते मैं वे अबाबे जी वकार जिनो बनान वाला कहंदा मैं वेख नहीं तेरे वाला मैं वेख नहीं तेरे वाला
लोगों में केड़ा रंग पेश करा इसे वास्ते आशिक बोल के कहते चुकमी मजा पड़ता ए मुखड़े तो दिल दीद बिना ना रजदा ए चुकमी मजा पड़ता ए मुखड़े तो दिल दीद बिना ना रजदा ते क्यों ना चा होवे तेनों वेखण दा ए सवाब दा अकबरी हजदा ए क्यों ना चा होवे तेनों वेखण दा जिन्हां ने उस महबूब दे चेहरे वधू हां नूं वेख्या फता मक्का होया ना ते सरकार काबे दा तवाफ कर रहे काफिरां दा एक नौजवान है फुजाला नाम है उहदे दिल च ख्याल की है कि फता मक्का ते रश बड़ा है सरकार काबे दा तवाफ पे करदे ने ते ख्याल की ये होवे ना मैं खंजर छुपा के जावां ते मुसलमानां दे नबी दा माज़ अल्लाह कम तमाम कर देवां खंजर बगल च लगाया टुड़िया टुड़िया नबी पाक अली सलातो सलाम दे करीब आया ना सरकार काबे दा तवाफ पे करदे ने खंजर लैके जो हजूर के करीब पहुंचा मेरे करीम ने ना मुड़ के सरकार ने वेख के फरमाया फुजाला किधर फुजाला किधर फुजाला दे ना सरकार दे चेहरे वाल वेखिया नबूवत दा जलाल वेखिया ना ते एक खंजर जमीन ते डिगया ते कहन लगा जी मैं तवाफ पिया करदा सा हजूर फरमान लगे फुजाला मैं नबी हाँ ते नबी नाल झूठ नहीं बोली दा नबी हुंदा ही होवे जिहड़ा बैठा फर्श ते होवे ते गल्लां अरशां दीआं सुणांदा होवे नबी नाल झूठ नहीं बोली दा फुजाला कहन लगा के नबी पाक अली सलातो सलाम मेरे वल वेखी जा रहे नाले सरकार ना ए ए ए सीने ते मेरे हाथ फेरी जा रहे हुजूर मेरे सीने ते हाथ फेर रहे लोगो नबी पाक अली सलातो सलाम दा हाथ लग जाए अज ते लोग कहंदे ने ना बाबे ते शै ही कोई नहीं मौलाना शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह शरकपुर दे ताजदार आप दीबारगाह के अंदर एक मुरीद आया तो आके कह लगा लजपाल मेरा पुत्र हाफज है ना फतेह मुहम्मद रखे है तो है हाफज मगर नमाज नहीं पढ़ता नमाज नहीं पढ़ता अब फरमान लगे अच्छा जी बुलाओ पुत्र नो लैके आया ना बाबा जी शेर मुहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह हाफज साहब वल वेखे फतेह मुहम्मद वल वेखे तो वेख के फरमान लगे हाफज जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते वजह की है कह लगा लजपाल नमाज इस वास्ते नहीं पढ़ता कि मेरा नमाज च दिल नहीं लगता मेरा दिल नहीं नमाज च लगता अब फरमान लगे अच्छा अपनी उंगली का इशारा आफ साहब के दिल वल किया तो फरमान लगे आफ जी जाओ हुन नमाज च दिल लगे आ करेगा जाओ नमाज च दिल लगे आ करेगा ऐसा नमाज च दिल लगे लोगो जोहर की नीयत करके खलोंदे ने असर का वक्त हो जाता है असर की नीयत करके खलोंदे ने मगरिब का वक्त हो जाता है ऐसा नमाज च दिल लगे ईमानदारी नाल दसो बाबा जी शेर मुहम्मद शरकपुरी होमन ते उंगली का इशारा दिल वल कर देन ते हाल इंज दा हुंदा है ते जिदे सीने ते हाथ ही कमली वाले रख देन जिदे सीने ते हजूर हाथ रख देन फुजाला दे सीने ते नबी करीम ने हाथ रखे या नाले सरकार हाथ फेरी जा रहे नाले हुजूर फरमा रहे फुजाला मैं नबिया नबिया नाले झूठ नहीं बोलीदा फुजाला कहन लगे नबी करीम ने जड़े वेले हाथ फेरिया कुफर निकलता जा रहा ईमान बढ़ता जा रहा कहन लगा मैं हाथ जोड़ के अंत की दी सोने हुण कलमा भी पढ़ा दे नबी करीम ने हजरत फुजाला नो कलमा पढ़ाया कलमा पढ़ के उस कलमे की मस्ती च जड़े वेले काबे दे सीन चो बाहर निकलिया उलमा फरमाते ने मुकाबे दे बार एक गली है उस गली में जी एक औरत है ए फुजाला ही उसी औरत दा बड़ा आशिक बड़ा दीवाना है उस औरत दा एक झलक वेखण वास्ते कई कई घंटे उदी गली दे चक्कर लगांदा रहंदा सी अज जेड़े वेले कलमा पढ़ के बाहर निकलिया ओए औरत सामने आ रही फुजाला को दे करीब तो गुजर गए ओए औरत वेण के वेख के कहण लगी ए फुजाला पहले तो एक झलक वेखण वास्ते मेरी गलिया के चक्कर लगा रहा है अज तेरे सामने आई है मेरे वाल वेखिया भी नहीं फुजाला कह लगे बीबी जा जा हूं मैं तेरे वाल की वेखा मैं मुहम्मद वेख आया पता लग गया जरा एक बार वाल वेखे जिन रब वेखद है मेरे साईं फरमांदे होंदे सन जिन्हों मुर्शद वेख छड़न ना फिर उन्हों जमाना वेखदा है जिन्हों साईं वेख छड़न ते जिदे वल वेखदा ही रब होवे
अल्लाह फरमांदा कमली वाले ही ना तकूम जिथे तेरा कयाम होंदा है। सोने साड़ी कुदरत की अख थोड़े मुख ते रहिंदी है, कुदरत की अख थोड़े मुख ते रहिंदी है। फिर जिन्हें उस वदुहा चेहरे नूं वेखिया हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला, भाई इन्हां दी तवज्जो मेहरबानी फरमाओ ना, सारा माहौल ना खराब करो यार, मेरे वल वेखो ना तुसीं। अबाबे दी वकार हज़रत जाबिर बिन सबरा रज़ी अल्लाह तआला आ फरमाते ने गर्मियां दी शाम है ते अपने मकान की छत ते लेटिया ते सहाबी रसूल दे लेटन दा तरीका पता कि छत ते लेटे ते ए आसमान ते चन्न वल पे वेखदे ने ते आसमान ते चौदवी रात दा चन्न है। हज़रत जाबिर ना चन्न वल वेख रहे, फरमाते ने नज़ारा बड़ा सोहना, गर्मियां दी शाम ठंडी ठंडी हवा चल रही, सामने चौदवी रात दा चन्न है। आ फरमाते ने ठंडी हवा दे नाल ना कदे कालियां कटावां चन्न दे सामने आउंदियां ने, कदे हटदियां ने, कदे सामने कदे हटदियां ने। फरमांदे ने नज़ारा बड़ा सोहना हो गया। फरमांदे ने अचानक मेरी नज़र पई ते सरकार ना मेरे मकान दियां सीढ़ियां चढ़दे लगे आ रहे। सुरख धारी वाला मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास पहने आ। आ फरमांदे ने सरकार जदों सीढ़ियां चढ़दे आ रहे ना, फरमांदे ने हजूर दे चेहरे ते मेरी निगाह पई। फरमांदे ने एक बारी आसमान वल वेखना, एक बारी हजूर वल वेखना। अब फरमांदे ने दिल च ख्याल की आया, एक ओ चन्न है, एक आमीना दा चन्न है, एक मेरा सोहना चन्न है। फरमांदे ने ठंडी हवा नाल उस चन्न दे सामने कदे कटावां होंदियां ने, कदे हटदियां ने, ते उसी ठंडी हवा दे नाल कदे हुजूर दे चेहरे दे सामने कालियां जुल्फां आउंदियां ने, कदे महबूब जुल्फां छंडदे ने। फरमांदे ने नज़ारा पिया वेखना, वह भी नज़ारा सोहना, यह भी नज़ारा सोहना। अचानक ना दिल च ख्याल आया, जाबिर ओ चन्न सोना है या मेरा चन्न सोना है? ना बोलो ना बोलो, सुभान अल्लाह, कितने तुहानू नजर ना लग जाए भाई। हाथ ते चुकना ही नहीं ना, मत कितने को बंदा शहीद ना हो जाए, ना ना हाथ नहीं चुकना। माशाल्लाह भी बड़े दरवेश हो तुसी, मैं जदो सुभान अल्लाह वास्ते कहना कदे इधर आले बोल दियो, कदे इधर आले बोल दियो, आपस में सलाह करके उरे बैठे हो जी, एक बारी असी बोलांगे, एक बारी तुसी बोलिया जे, तुहाडा प्यार सलूक बड़ा है अलहमदुलिल्लाह। अल्लाह इन जी प्यार सलूक रखे, एक बारी सारे मिलके आखो ना सुबहान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमांदे ने चन्न वल पिया वेखना, हजरत सखी फनाफी ला बकाफी हू, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस चन्न का बड़ा सोहना जहा जिक्र किया है। मेरा दिल करदा मैं तुहानू कलामे बाहू सुनावा, इजाजत है बई? तुसी बोल लेनी उच्ची सुबहान अल्लाह, वरना मैं सुना। अच्छा भी सुना दिए, तो पीरे बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने हज़रत जाबर भी वेख वेख के कहंदी होणगे, चढ़वे चन्ना 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 चढ़वे चन्ना विकर रुशनाई, तारे जिक्र करें दे ए तेरा वो तेरे जे चन रोजी चढ़ दे सानो सजना बाजे हनेरा वो जिथे चन साडा चढ़दा उथे कदर नहीं कुछ तेरा मौज दे पीछे मैं ए जन्म गवाए बाहो ओ यार मिले इक तेरा। हज़रत जाबिर फरमांदे ने दिल च ख्याल आ रहा, ओ चन्न सोना या मेरा चन्न सोना है? फरमांदे ने बड़ी देर तक सोच सोच के फरमान लगे, दिल च ख्याल आया जाबिर ओदे नालों मेरा चन्न सोना है, ओदे नालों मेरा चन्न बहुता सोना है। फरमान लगे वे जा चन्ना जा के बदलां च चेहरा लुका ले, जे मेरा चन्न ही ना आउंदा तेनो चन्न किने बनाना सी। फरमान लगे जा जा के बदलां च चेहरा लुका ले, तेरे चेहरे ते दागे मेरे चन्न दा चेहरा बड़ा सा। चन्न बहुता सोहना है,
गिरामी कादरा बाब साहबी रसूल का फैसला की नबी करीम अली सलात व सलाम चन नालों भी सोने। अल्लाह कुरान फरमांदा वजअलनल कमरा नूरा, अल्लाह फरमांदा है असां चन नूं नूर नाल बनाया। ते साहबी कह रहे कमली वाला चन नालों भी बहुता सोहना ते चन नूर है। पता लग गया नबी करीम अली सलात व सलाम उस चन नालों भी बहुते सोहने जिन्हों अल्लाह कहंदा महबूबा मैं वेख नहीं तेरे वल रहना, सोहणिया मैं वेखदा तेरे वल रहना। अबाबे जी वकार वो इतना सोहना नबी है। अगर मैं मजीद आप हज़रात दे सामने गुफ्तगू अर्ज करा वक्त दरकार है, आओ उस महबूब का आप हज़रात दे सामने थोड़ा जहा हुसन इंज बयान करा अल्फाज उधारे लैके। हजरत मौलाना गुलाम रसूल अलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने नबी करीम अली सलात व सलाम का जो तारफ पेश किया ना ते मौलाना गुलाम रसूल अलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ओ दे दंद मोतियां दिया लड़ियां, ओ दे दंद मोतियां दिया हैं लड़ियां, ओ दे रावा विच हो रा ए रैन खड़ियां अखां विच कुदरती सुरमे धारी दिलानो इंज कट दी जीवें कटारी कदीमे शहनशाह आली घराना हुसैनो हसन दा लजपाल नाना कदीमी शहनशाह आली घराना हुसैनो हसन दा लजपाल नाना जिगर दिल बंदियो मई आमिनादा ते बाबल है यो प्यारी फातिमादा जुलेखा यो सुनो जे वे खलेंदी कदी पीछे न यूसुफ ए मिस्री ते पैंदी मदीने शहर दे विच रहने वाला खुदा दे अर्श दे जा पैन वाला खलैंदी कदे पिछे ना यूसुफ मिश्री दे पैंदी। लोगो यूसुफ अली सलाम किड्डे सोहणे एडे सोहणे कि हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सूरह यूसुफ च फरमांदे ने हजरत यूसुफ अली सलाम एडे सोहणे सन के अंधेरी गली चो गुजर जांदे सन ते हुसन दी वजह तो चानन लग जांदा सी। एडे सोहणे हजरत यूसुफ अली सलाम एक माई ने ना मोढ़े ते हथ रखिया ते प्यार नाल कहन लगी वे यूसुफ आप बने कि किसे बनाया ही। हजरत यूसुफ अली सलाम कहन लगे अम्मा अजे तो यूसुफ वेखी आई, जे यूसुफ बनान वाला वेख लवें लखा यूसुफ भुल जाए। एडे सोहने हजरत यूसुफ अली सलाम हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमांदे ने कि नबी करीम अली सलात व सलाम ना मेरी ख्वाब चाहे वो दुआ करया करो कदे सोहना साड़ी भी ख्वाब चाह जाए। सरकार ख्वाब चाहे ना तो शाह अब्दुल रहीम आपने ना हजूर की बारगाह चर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं सुनिया यूसुफ बड़े सोहने। हुजूर ने फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह मैं किताबा च यह भी पढ़िया कि यूसुफ अली सलाम का हुसन वेख के लोग मर जाते ने लखा लोग मर गए हजरत यूसुफ का हुसन वेख के। तो कहन लगे सोने मैं किताबा च यह भी पढ़िया कि यूसुफ का हुसन तुहाडे हुसन की जकात है। तो या रसूल अल्लाह मैं कितने किताबा च नहीं पढ़िया कि कोई तुहाडा हुसन वेख के मरिया होवे। नबी करीम फरमान लगे पुत्र अब्दुल रहीम यूसुफ भी बड़े सोहने मैं भी बड़ा सोहना मेरे तो यूसुफ के हुसन च फर्क इन्ना है यूसुफ का हुसन वेख के लोग मरते रहने पर जेड़ा एक बारी मुहम्मद का हुसन वेख लेना मरदा कोई नहीं कबरा च भी जूंदा ही रहा जे
जड़ा एक बारी मुहम्मद दा हुसन वेख ले पता लग गया यूसुफ अली सलाम एडे सोने ते आशक किन्ने एक जुलेखा ओ बोलो ते सही एडे सोने यूसुफ अली सलाम ते आशक एक जुलेखा वाह सोने तेरे हुसन तो सदके जाइए जिन्ना वेखिया वह भी तेरा दीवाना जिन्ना नहीं वेखिया वह भी तेरा दीवाना इसे बास दिया आशिक बोल के कहंदा हुसन यूसुफ देख के एक जुलेखा ए भूल गई पर कमली वालिया तेरे ते सारी दुनिया ए डुल गई वेख्या वह भी तेरा दीवाना आओ मुसलमानो अल्लाह फरमान दे कमली वाले मैं वेख नहीं तेरे वल रहना ऐसा हुसन है अल्लाह ने महबूब नू अता कीता जिन्हें एक बार वेख लिया महबूब दा फिर वह हुजूर दा दीवाना हो के रह गया अज असी सरकार दा हुसन सुन के लोग इस कदर मचल जाने ते जिन्हें रज रज के सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नू जैसिया जिन्हें रज रज के महबूब नू वेख्या और इंज के दिल दियाँ तमन्ना और हसरत ही पूरियां हो गई सिद्दीक अकबर की दिल की तमन्ना सी कमली वाले अख मेरी होवे ते मुख तुहाडा होवे ते रज रज के तुहानू वेखा फिर अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर नू मौका अता किया गौरे सौरे एक कमली वाले की जात है और एक सिद्दीक अकबर ने इंज रज रज के वेखिया कि हजूर जो वापस आए ना नबी पाक अली सलातो सलाम की बारगाह च हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या किसी दियाँ आसमान के सितारे जितनिया भी नेकियां हैं नबी करीम अली सलातो सलाम फरमान लगे हाँ तो या रसूल अल्लाह कि हजूर फरमान लगे मेरे उम्र दियाँ नेकियां आसमान के सितारे जितनिया ने अच्छा भाई ईमानदारी दसो अज तक साइंस इतनी तरक्की कर गई अज तक कद साइंस कदे ये जवाब दिता हो आसमान के सितारे कितने ने अजे तक रिसर्च हो रही मगर अज तक कोई नहीं दस सके आसमान के सितारे कितने ते नबी करीम अली सलातो सलाम फरमा रहे मेरे उम्र दियां नेकियां आसमान के सितारे जितनिया पता लग गया नबी करीम नू पता सी ते फरमाया सी ना हुजूर नू पता है कि आसमान के सितारे कितने हुजूर फरमा रहे मेरे उम्र दियां नेकियां आसमान के सितारे जितनिया हजरत अमाशा सिद्दीका ने सुनिया ना ते ख्याल की या रसूल अल्लाह मैनू यह सी कि तुसीं मेरे अब्बा जी सिद्दीक अकबर का नाम लोगे नबी करीम अली सलातो सलाम फरमान लगे आयशा उम्र दियां नेकियां आसमान दे सितारे जितनिया ने पर उम्र दियां नेकियां एक पासे सिद्दीक दी गार वाली नेकी एक पासे गार वाली नेकी एक पासे हजरत उमर फारूक नूं पता चलिया तो सिद्दीक अकबर की बारगाह च आके कहन लगे सिद्दीक अकबर इंज करो ना सारिया नेकियां लै लो तो वह गार वाली एक नेकी मैनू दे दौ सिद्दीक अकबर फरमान लगे ना ना वह गार वाली एक नेकी तेनों दे दी बकाया नेकियां मैं की करनिया ने आखिया फिर सिद्दीक दसो ना उत्थे करदे की रहे हो तो सिद्दीक अकबर कहन लगे उमर यार की दसा ना उत्थे नफल पढ़े ना नमाजा पढ़िया इको यार दा मुखड़ा ही वेखदा रहा एक महबूब का वद्दुहा चेहरा वेखदा रहा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों जिन्हों वेखन वाले वेख के नाज करते हैं आओ आखिर ते मैनों सद्दाम हुसैन भाई ने हुक्म फरमाया सी कि दहिया कलबी रजी अल्लाह तआला नू दा जिक्र करना है मैं बस दो चार पाँच मिनट के अंदर अपनी हाजिरी मुकम्मल करना नबी करीम मुका दिए जी गिरामी कादर अहबाब इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह सुनन दारमी के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अली सलातो सलाम ना एक दिन गली च जा रहे थे सरकार की नज़र ना एक सोहने के नौजवान से पई वो किड्डा को सोहना होगा जरा मेरे नबी नू सोहना लगे होगा वो बोलो यार सुबहान अल्लाह कुछ नहीं होता बोलो सुबहान अल्लाह इंडिया ते पाकिस्तान का मैच लगे होवे ना ते साडे नौजवानों का जोश ते जज्बा वेखन वाला हुंदा है ते नबी करीम अली सलातो